नमस्कार, आपके साथ मैं रश्क गौरी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश रिपोर्ट पर रार में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2017-18 की वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें राज्य को बड़ा नुकसान होने का खुलासा हुआ है। महालेखाकार डीआर पाटिल ने कहा है कि 2017-18 में कुल 88,590 करोड़ का बजट पेश किया गया और इसमें 18,886 करोड़ का इस्तेमाल ही नहीं हो सका और इसी तरह से 5,800 करोड़ रुपए लैप्स हो गए हैं। तो उन्हें 31 मार्च को 13,800 करोड़ रुपए जमा किए लेकिन विकास में उसका भी इस्तेमाल नहीं हो सका है। तो वहीं कैग की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जीएसटी से राज्य का राजस्व भी कम हुआ है। तो वहीं 1400 करोड़ का पब्लिक सेक्टर में जो रुपए लगाए हुए थे वो राज्य को उसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। तो वहीं कैग की रिपोर्ट में केंद्र पर भी अब सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र में 2017-18 में करीब 5000 करोड़ रुपए राज्य सरकार के बजाय सीधे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को दे दिए गए, यानी कि केंद्र ने अपने ही नियम का यहाँ पे उल्लंघन कर दिया है। तो कैग की इस रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ की अब सियासत एक बार फिर से गर्मा चली है और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इतना ही नहीं, महालेखाकार डीआर पाटिल ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घाटा 2013 से 2018 के दौरान 1,361 करोड़ रुपए और 6,281 करोड़ के बीच रहा, जो गैर ऋण प्राप्तियां राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पूरी नहीं थी। सकल घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात 18.14% है, जो 14वें वित्त आयोग की सीमा 17.05% से ज्यादा है। ऐसा राज्य सरकार के 8,100 करोड़ का विकास ऋण लेने की वजह से हुआ है। तत्कालीन सरकार ने जिस तरह से जो आपको बता दे लोन लिया होता, तो वही आपको बता दे 13 PSU को उनके ऑडिट नहीं होने के बाद भी राज्य सरकार ने करीब 9,463.02 करोड़ रुपए दिए, जिसमें गड़बड़ी की आशंका भी महालेखाकार ने जताई है, जबकि 1500 करोड़ रुपए अब भी भूमि अधिग्रहण में पड़ा हुआ है जो ब्लॉकेज ऑफ फंड है। देखिए, टोटल बजट प्रोविजन था 88,599 करोड़ 2017-18 में, इसमें टोटल जो सरेंडर हुआ है 18,886 करोड़। जो 18,000 में से 5,008 करोड़ जो है वो लैप्स हुआ है और 13,838 करोड़ जो है वो सरेंडर लास्ट डे पे हुआ है। लेकिन इसमें पाया गया कि जो ओवरऑल सेविंग जो है 2017-18 में 21.32% रहा और अमाउंट में 18,886.71 करोड़ रहा सेविंग्स। मतलब इतना पैसा हम खर्च नहीं कर पाए, इतना पैसा हमको सरेंडर करना पड़ा। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बजटिंग है वो थोड़ा डिफेक्टिव रहा है। तो बजटिंग डिफेक्टिव रही है, ये कहना है महालेखाकार का। उन्होंने कहा है कि विकास कार्यों के लिए जो राशि दी गई थी वो खर्च नहीं की गई है और जो बजट था जिसका प्रावधान किया गया था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, वो लैप्स ही हो गया। क्या कुछ कहा, आइए एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। देखिए, टोटल बजट प्रोविजन था 88,599 करोड़ 2017-18 में, इसमें टोटल जो सरेंडर हुआ है 18,886 करोड़। जो 18,000 में से 5,008 करोड़ जो है वो लैप्स हुआ है और 13,838 करोड़ जो है वो सरेंडर लास्ट डे पे हुआ है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2017-18 की वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें राज्य को बड़ा नुकसान होने का खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। महालेखाकार डीआर पाटिल ने कहा है कि 2017-18 में कुल 88,590 करोड़ का बजट पेश किया गया था, इसमें 18,886 करोड़ का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। तो वाकई में बड़ा सवाल है और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ बेहद ही खास पैनल जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। रमेश वालियानी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। वालियानी जी, बहुत स्वागत है आपका
अजय चंद्राकर जी हैं, वित्त विशेषज्ञ हैं। चंद्राकर साहब आपका भी बहुत स्वागत है। और उचित शर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उचित शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। वाल्यानी जी सबसे पहले तो आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से आज ऑडिट की जो रिपोर्ट आई है काफी अच्छी नहीं है। काफी अच्छी नहीं, काफी खतरनाक है। इससे मालूम पड़ता है कि सर काफी अच्छी नहीं है। रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में नहीं काफी अच्छी, मतलब ये तो बहुत विचित्र बात हो रही है कि 15 साल में इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना खराब था कि इन्होंने पैसे का उपयोग ही नहीं किया। 18,000 करोड़ रुपया का इस्तेमाल नहीं किया, उसके चलते 5,000 करोड़ रुपया जो केंद्र से इनको कंट्रीब्यूशन के रूप में मिलता वो भी लैप्स हो गया। और तो और जो राजस्व वसूली करनी थी इनको अनेक विभागों से, इन्होंने 1,318 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इतनी लूटमार मची थी इनकी सरकार में कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो समय पर पूरे नहीं हुए, तो उनकी जो लागत का रिवाइज किए हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो वो जो अंतर की राशि है वो सिर्फ घोटालों को दिखाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत विचित्र बातें इसमें हुई हैं। जी बिल्कुल। लॉचिंग जी आपके पास चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितनी बातें करते थे जी 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 लॉचिंग जी वाल्यान जी चंद्राकर जी, क्योंकि वो फाइनेंशियली मैटर को बखूबी जानते हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। चंद्राकर जी 5,800 करोड़ रुपए लैप्स हो जाना किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि तत्कालीन सरकार की विश्वसनीयता पे भी अब सवाल उठने लगे हैं। अब बिल्कुल, ये जो 1917-18 का जो बजट है और एक्चुअली 18,886.76 करोड़ का है। अब इसमें ये खर्च नहीं कर पाए और न ही सरेंडर कर पाए तो ऑटोमेटिक वो पैसा रिजर्व बैंक को चला गया। अब इसमें 5,839 करोड़ रुपया जो कि 26.52% होता है ये लैप्स हो गया। ये विकास कार्यों से यहाँ के नागरिक, यहाँ के सर्वहारा वर्ग, यहाँ के किसान, यहाँ के श्रमिक, यहाँ के एलिट क्लास, यहाँ के मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास सब जिनको ये पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाया। इसके बाद इसमें कहा गया है और इसमें कड़ी टिप्पणी भी की गई है कि इसके बाद ये विधानसभा से और अनुपूरक बजट ला करके पैसा मांग रहे हैं लेजिस्लेटिव के माध्यम से, कार्यपालिका के माध्यम से, जिसकी आवश्यकता नहीं थी ये भी कहा गया है। और बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि रिजर्व फंड है 16 और 16 में 12 फंड ऐसे हैं जो आप जो ऑपरेटिव पोजीशन में हैं और 6 फंड ऐसे हैं जो ऑपरेटिव उनको कोई ऑपरेट ही नहीं कर रहा है, उसमें 2,085 करोड़ रुपया। और एक बात कहना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर 110 प्रोजेक्ट लंबित हैं और उनका स्टार्टिंग जो प्रोजेक्ट लागत था 3,712 करोड़, प्रोजेक्ट लंबित होने के कारण, डिले होने के कारण वो पहुंच गया है 4,066 करोड़। इसके अलावा 7 विभागों के ऊपर और कहा गया है वो ये है कि वो तो अपना ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं भेज रहे जो 30 सितंबर तक भेज देना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि इसमें माइनिंग भी शामिल है, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन शामिल है, एक्साइज वन विभाग शामिल है, राजस्व विभाग शामिल है। लेकिन कुछ अच्छी बात भी कही गई है, वो है एजुकेशन के ऊपर, सोशल सेक्टर में जो खर्च होता है उसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कह सकते हैं कैपिटल के ऊपर, ये कुछ पॉजिटिव बात भी कही गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वित्त या बजट बनाने वाले जो नौकरशाह हैं, चाहे वो कोई भी हो जी। और साथ ही साथ उनका जो पिरामिड बनता है, पोस्ट कॉर्ब जो कहलाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वित्तीय प्रबंधन में, बजट निर्माण में और उसके क्रियान्वयन में ये लोग गंभीर त्रुटि किए। बिल्कुल, वाकई में उचित शर्मा जी, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वक्त वक्त पर आप आवाज बुलंद करते आए हैं, कई मरतबा हम चर्चा भी कर चुके हैं।
ये जो वित्तीय प्रबंधन में जिस तरह की लापरवाही नेग्लिजेंसी देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा मौजूदा सरकार को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोन लेना पड़ रहा है, कर्ज लेके वो छत्तीसगढ़ का विकास कर रही है, और इस जिस तरह से 18,886 करोड़ का इस्तेमाल जो बजट में होना था वो नहीं हुआ, 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लैप्स हो जाती है, छत्तीसगढ़ की जनता भी इसको भुगत रही है, किस तरह से देखते हैं आप इसको सर? देखिए, मैं कैसे सामाजिक कार्यकर्ता में अगर बोलना चाहूं तो जिस तरीके से हम लोग पिछले 10-15 सालों से आवाज उठाते आ रहे थे कि इन लोगों का गैर वाजिब चीजों पे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, गैर जरूरी चीजों पे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, लगातार चिल्ला के हमने कहे कि जैसे 2200 करोड़ की आप योजनाओं में केवल मोबाइल बांट रहे हैं, ये किस टाइप की योजना है जो आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आई, केवल आप चुनावी फायदे के लिए इन सबको कर रहे थे, और वो सेम वित्तीय वर्ष 17-18 में ये सब डिसीजन लिए गए, ऐसी तमाम योजनाएं जिसके बारे में हमने बोला और उठाया भी। दूसरा एक पहलू ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी की प्रॉपर ऑडिट हो नहीं पाती, इनकी एफिशिएंसी की ऑडिट हो नहीं पाती, इनके पीछे कोई इतनी गंभीरता से ऑडिट कर नहीं पाता। सोशल ऑडिट के हम जो चिल्लाते हैं कि सोशल ऑडिट हो, सोशल ऑडिट का कोई भी प्रावधान इन लोग रखते नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी चीज की कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी हम वो कलेक्ट नहीं कर पाए हैं जो हमको करनी चाहिए। तीसरी चीज की जो मैं बोलना चाहूंगा कि ये ब्यूरोक्रेसी का पूरे के पूरा किया धरा होता है। ये छत्तीसगढ़ की एक हास्यपद चीज आपको इसको जोड़ने के लिए जरूर कहूंगा कि बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अवार्ड हम पा चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वल्लानी जी मेरे साथ बैठे हैं, अजय चंद्राकर जी वित्त के विशेषज्ञ है वो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बेस्ट हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अवार्ड पा चुके हैं। ये केवल आंकड़ों की जगलरी करके बाहर अधिभवन बैठ के ये पूरा का खेल खेलते और आम लोगों को जो लाभ और फायदे मिलने चाहिए थे वो पटल पे नहीं पहुंच पाते। एक बड़ा रीजन ये भी है कि किसी प्रकार की सोशल ऑडिट का यहाँ प्रावधान न करते हुए आम जनता से सवाल न करें और एक गुप्त रूप से पूरे अपनी जगलरी करते हैं। बिल्कुल, वाकई में चंद्राकर जी, क्या सोशल ऑडिट पॉसिबल है? आप जवाब देंगे तो मैं उसके बाद वल्लानी जी से सवाल करूंगी। सर बिल्कुल रूप से उद्देश्य ये है कि ऑडिट तो समय पर वो सरकार के नियमों के अनुसार 30 सितंबर तय है, वहां तक उनको रिपोर्ट देना ही है। साथ ही साथ मैं आपसे संवाद करना चाहूंगा कि ये जो 18,886 करोड़ रुपए की बात है उसमें 13,800 करोड़ तो आखिरी तिथि को ये लोग सरेंडर किए, नहीं तो वो भी लेप्स हो जाता। एक मजेदार बात है इसमें, वो ये है कि सरकार जो 2001 से लेकर के नाउएडे आज तक, वो ये है कि लगभग 4,545 करोड़ रुपया ये ब्लॉकेज आप फंड हम कह सकते हैं, ये पोजीशन आ गई है यहाँ के वित्त की स्थिति की। और दूसरी बात है 638 करोड़ रुपया लोन ली है, लोन का जो रीपेमेंट होता है वो सरकार पटाती, और इसमें ये तीन सेक्टर, एक है पावर वितरण का सेक्टर और दूसरा है छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और तीसरा है हाउसिंग लिमिटेड पुलिस ऑफिसरों के लिए, ये जो खर्च किए हैं उनका रीपेमेंट भी सरकार कर रही है। ये तीनों एजेंसी, ये तीनों संस्थाएं ये रीपेमेंट नहीं कर रही हैं, ये 631 करोड़ रुपया का अलग से बर्डन सरकार दिखा रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये दिखता है बजट निर्माण के सिद्धांत है जी वल्लानी जी, बजट निर्माण के सिद्धांत हैं जी, और उनको कैसे क्रियान्वित किया जाता है जी, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं कोताही है। बिल्कुल कोताही नहीं, भारी कोताही, भारी अनियमितता, भारी कुप्रबंधन ब्यूरोक्रेसी के जरिए और सरकार के तत्कालीन सरकार के जरिए देखने को मिला है। वल्लानी जी, ये बहुत बड़ा सबक है आपकी मौजूदा सरकार के लिए, जो तत्कालीन सरकार ने जो गलतियां की हैं वो उनको आप लोग रिपीट ना करें, उनका रिपीटेशन ना हो जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति ही उत्पन्न ना हो। इसके लिए अब आप लोग क्या प्रारूप खींचेंगे, क्या प्रारूप बनाएंगे और क्या आप लोगों का मसौदा रहने वाला है? क्योंकि देखिए 14,000 करोड़ का पब्लिक सेक्टर में रुपए लगाने से तत्कालीन सरकार ने जिस तरह से रुपए लगाए थे उससे भी नुकसान ही हुआ है। 2017-18 में 5,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार की बजाय सीधे इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को दे दिया गया, तो इस तरह की अनियमितताएं, कुप्रबंधन ना हो, इसके लिए अब आप लोग किस तरह से कदम उठाएंगे और राज्य को आप लोग कैसे, जिस तरह से जो कर्ज में डूबता जा रहा है उसको कैसे बचाएंगे अब आप? देखिए,
अभी जो वित्त विभाग है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अधीन है और उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर रखी है जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स है उनको इस काम में लगाया है और हमारा प्रयास ये है कि जो डुप्लीकेसी हो रही विभागों में जैसे सड़क के मामले में आप लें सड़क ग्रामीण विकास भी बना रहा है एक अलग एजेंसी बना रही है पीडब्ल्यूडी भी बना रही है बिल्डिंग में हाउसिंग बोर्ड भी है लोक निर्माण विभाग भी है ब्रिज कॉर्पोरेशन अलग है ब्रिजेस के लिए तो इन विभागों की संख्या को कम करके हम लोग गुणवत्ता के साथ काम हो सके इसलिए उनको मर्ज करने का काम कर रहे हैं। अभी पता नहीं चलता कि ये सड़क किस विभाग ने बनाई मालूम पड़ा एक ही सड़क के तीन तीन विभाग से बजट निकल गए। तो ये जो घोटाले होते रहे हैं उस पर अंकुश लगाने के लिए ही ये सब काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल वाकई में उचित। अब हाउसिंग बोर्ड में इन्होंने ऐसे ऐसे मकान बना दिए जहां कोई रहना नहीं चाहता वाकई में। और सरकारी दूसरा ये दादू अभी एक जो जीएसटी वाला मामला है जी जीएसटी के बारे में हमारा शुरू से कहना था कि जिस ढंग से आप जीएसटी को जल्दबाजी में लगा रहे हैं उससे राज्य का नुकसान होगा। ये सीएजी की रिपोर्ट स्पष्ट हो गया कि जीएसटी से राज्य को आर्थिक रूप से नुकसान झेलना पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्पोक पर्सन से भी कहा कि आप भी आइए अपना पक्ष रखिए लेकिन सभी मुंह छुपाते घूम रहे हैं कि आखिर दे तो क्या जवाब दे। उचित शर्मा जी 8,100 करोड़ का विकास ऋण लेने की वजह से भी राज्य सरकार को भारी नुकसान हुआ है इन तमाम अनियमितताओं से क्या लगता है राज्य कहाँ जा रहा है और जिस तरह से जो कैग की रिपोर्ट आई है उसने तो तत्कालीन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी कलाई खोल के रख दी है। जी बिल्कुल देखिए मैं आपको बताऊं कि एनआरडीए आरडीए हाउसिंग बोर्ड ये तीनों ने लंबे चौड़े लोन लिए हैं और इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है और सरकार ने उनके ब्याज जैसा कि अजय जी ने बताया वो दे ही रहे हैं। उसकी लायबिलिटी पूरी की पूरी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पे पहले भी आई थी उनने भर रहे थे जबकि ये इनको खुद लाभ कमा के अपने खर्चे काम करने वाली ये संस्थाएं हैं उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आई। सेम टू ये बहुत अच्छी स्थिति आज भी नहीं है माफ कीजिएगा वल्लानी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्थिति आज है वो पहले थी वो आज भी रहेगी क्योंकि कांग्रेस सरकार को पूरी की पूरी चीज समझने में लगभग एक साल लग गया 9 माह बीत चुके हैं ये फिर से लैप्स होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें एक राजनीतिक इस कारण से अभी तक राजनीतिक पोस्टें जो होनी थी वो नहीं अपॉइंट हो पाई। उदाहरण के तौर पे बीज निगम के चेयरमैन नहीं बन पाए हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन पाए ऐसे तमाम लगभग 3 दर्जन चेयरमैन नहीं बन पाए जिसके कारण काम में हैम्पर हो रहा है काम में तकलीफें जा रही है बड़े नीतिगत फैसले हो नहीं पा रहे हैं सीओ अपने खुद डिसीजन ले रहे हैं वो ऐसे अभी फिर भी घाटा होना है। उदाहरण के तौर पे अभी कृषि विभाग का अगर मैं एग्जांपल लूं तो कृषि विभाग का लगभग अभी 25% बजट फिर लैप्स होने वाला है ये आज भी इशारा कर दूं आपके कांग्रेस के प्रवक्ता जी के महोदय के सामने कि जो स्थिति चल रही है वो आज भी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि आपको आपने अपनी पोस्टें किस राजनीतिक कारणों से खाली रखी मालूम नहीं जिसके कारण तकलीफ विभाग को हो रही है आम जनता को हो रही है किसानों को हो रही है अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को हो रही है ताकि बड़े नीतिगत फैसले हो ही नहीं पा रहे। तो कांग्रेस अगर ये कह रही है कि बहुत अच्छी स्थिति में है तो गलत है आज भी वही चीज होने वाली है यही बात हम अप्रैल 2020 में करते रहेंगे इतने पैसे लैप्स हो गए खतरे की चीज जो बता रहे हैं उसको हमारे संज्ञान में वो चीजें हैं ठीक लेकिन निश्चित रूप से उचित शर्मा जी का कहना सही है जी सवाल लेकिन कॉर्पोरेशन के उठाया है ना कि अब आप लोग भी सबक लीजिए ना सर क्यों जो पोस्टिंग होनी चाहिए जहाँ पे नहीं, नहीं मैं आपको नहीं, मैं आपको बता दूँ जी जी बात पूरी लेकिन जो जिन पोस्टों की ये बात कर रहे हैं उनसे नीतिगत निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी लगातार उन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिसकी ओर उचित शर्मा जी बता रहे हैं। माननीय कांग्रेस प्रवक्ता महोदय का मैं खुला विरोध करता हूँ आपसे इतने बड़े चैनल के सामने कि बड़े फैसले जो किसानों से जुड़े हुए वो भी नहीं हो पा रहे हैं। बीज निगम की आरसी जो जुलाई में होनी चाहिए थी वो अक्टूबर में हो रही है आप बताइए अक्टूबर में अगर हो रही है तो वो बटेंगे कब बीज ये सब चीजें तमाम ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है जो कांग्रेस सरकार समझने को तैयार नहीं है। जमीनी धरातल पर काम करना होगा। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कुप्रबंधन हमने देख लिया है तत्कालीन सरकार का
आप लोगों को सत्ता मिली है, अब इस तरह की अनियमितताएं ना हो, जो प्रेजेंट सेशन का जो बजट सेशन जो आप लोगों को बजट अलॉट हुआ है कहीं वो भी लैप्स ना हो जाए, इसको लेके क्या आप लोगों ने क्या कुछ कड़े कदम उठाए हैं सर? देखिए हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर विभाग की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस दिशा में पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कोई जो भी काम है वो समय सीमा के अंदर पूरे किए जाएं। अब समय सीमा में पहले पूरे नहीं हुए, इसलिए तो हम देख रहे हैं कि जो परियोजना लागत थी 1702 करोड़ रुपया, वो बढ़कर हो गई है 4545 करोड़ रुपया पिछले सालों में। तो ये परिस्थिति हमारी सरकार में कम से कम नहीं होगी। सारे काम समय सीमा के अंदर करेंगे। अभी हमने उद्योग नीति जो बनाई है उसमें एकल खिड़की किया है, अभी रियल इस्टेट के लिए जो बनाया है उसमें एकल खिड़की किया है और समय सीमा तय कर दी है कि कोई प्रोजेक्ट को उस समय में पूरा करके देना पड़ेगा। किसी बिल्डर को 10 जगह जाना नहीं है, किसी इंडस्ट्री वाले को 10 जगह जाना नहीं है, एकल खिड़की में सभी लोगों की जवाबदेही तय होगी। जब तक आप ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही तय नहीं करेंगे तब तक सुधरेगा नहीं मामला, और इस सरकार में जवाबदेही तय करने का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए वो चीजें नहीं आएंगी। ठीक है चंद्राकर जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप वाल्यानी जी की बात से। और मेरा एक और सवाल ये है कि 13 PSU को उनके ऑडिट नहीं होने के बाद भी राज्य सरकार ने करीब 9463.02 करोड़ रुपए दिए, जबकि 1500 करोड़ रुपए अभी भी भूमि अधिग्रहण का ही पड़ा हुआ है, जो ब्लॉकेज फंड है जिस तरह का आपने भी जिक्र किया। क्या लगता है कहाँ, मतलब किस तरह से सिंक्रोनाइज तरीके से इन तमाम चीजों को व्यवस्थित किया जाएगा, क्योंकि गलतियां तो तत्कालीन सरकार कर गई है। बिल्कुल रमेश सर जी जिस तरह से स्टेटमेंट दे, वो खुद सीए हैं और अर्थ विज्ञान के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, सरकार को सचेत करेंगे और राज्य का भला होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन जो चीज उचित जी भी जो बोल रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल में जो क्रियान्वयन होना है और उस बात को वो रख रहे हैं और यही क्रियान्वयन में सरकार फेल नजर आती है। इसी कड़ी में कहना चाहूंगा कि 13 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही प्रस्तुत नहीं किए। जो केंद्र सरकार से पैसा मिलता है या स्टेट गवर्नमेंट का पैसा रहता है वे डिपार्टमेंट 2413 करोड़ रुपया का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। और आपने जैसा कहा बहुत अच्छी बात कही, लगभग 1400 करोड़ भूमि अधिग्रहण के मामले में या किसी का दुकान है इसलिए पर्सनल डिपॉजिट अमाउंट के रूप में पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ये जो GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 14वें वित्त आयोग के अनुसार 17.06% होना चाहिए, लेकिन वो पिछले सरकार के ही समय 18.16% हो गया है। इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट कास्ट की ये जो खूब प्रचार प्रसार करते थे नियंत्रण में रखे हैं वो शायद उसमें संदेह जाता है। तो यहाँ पर मूल बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी को मुख्यमंत्री जी के पास, पूर्व मुख्यमंत्री जी के पास भी वित्त विभाग था लगभग, या फिर आज के मौजूदा सीएम के पास भी है, इनको अपने इस डिपार्टमेंट में इतना बड़ा जो लूप होल है 18886 में 5839 करोड़, ये बड़ा रकम होता है। साथ ही साथ अनेक टाइम में जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरा हो घोषणा करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट एक प्रकार से क्या हो गया है, ब्लॉकेज ऑफ फंड बन गया है। बिल्कुल चंद्राकर जी, तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ राज्य की जो बैलेंस शीट बन रही है उसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स को तो हटा दीजिए, सारी की सारी चीजें बैड डेट्स में जा रही हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल 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 ये आश्चर्य है, पहली बार है ये 15 वर्षों के बाद जब सत्ता में परिवर्तन हुआ तो सीएजी भी आज पहली बार इतने खुल करके बोली, वो भी सत्ता परिवर्तन के नहीं तो कई बार लिपापोती, प्रायः लिपापोती ही करते थे। बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल। अब ऐसा करना अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके लिए एक बड़ा प्रेशर बन गया है कि वो अपने वित्तीय प्रबंधन को बहुत ही कुशलता से करें,
क्योंकि धान का मसला में केंद्र राज्य में जो विवाद चल रहा है, साथ ही साथ सोशल सेक्टर के ऊपर या सरकार जो काम कर रही है, या फिर निश्चित रूप से यहाँ के जो सर्वहारा वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इवन एलिट क्लास, सब काफी अपेक्षा रख रहे हैं इस सरकार से, और उन अपेक्षाओं पर यह सरकार खरा उतरे इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को तुरंत टाइट करें। बिल्कुल, वाकई में उच्च शर्मा जी कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी आपसे। वाकई में इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि एक साल में देखिए, एक साल में दो बार बजट पेश हुआ है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वल्यानी जी, क्योंकि पिछली बार का बजट जो दबाव डाल के 30 नवंबर को पेश होना चाहिए था वो दबाव डाल के नहीं पेश किया गया, और वो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 15 जनवरी के पेश हुआ था, सीएजी की रिपोर्ट को पेश किया गया था। तो ये आंकड़ों की जगलरी पिछले सरकार से चलते आ रही है, और अभी वो कैरी ऑन ना हो हमारी ऐसी शुभकामना है नई सरकार को कि उसी नीति पे हम ना चले कि अवार्ड लेने के लिए तो हम तमाम चीजें कर डाले मगर धरातल पे हम वहां ना पहुंच पाए। ये ऐसी मेरी मतलब एक सुझाव भी है और एक शुभकामना भी कि इस तरीके से हमें बचना चाहिए ताकि नीचे जो खड़े व्यक्ति पे अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सभी चीजों का लाभ हो सके और इस परिस्थितियों से, इस भयावह परिस्थितियों से छत्तीसगढ़ को बचाया जा सके। बिल्कुल वाल्यानी जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारी सरकार में कम से कम आंकड़ों की बाजीगरी नहीं होगी, उम्मीद करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है वाल्यानी जी कि जब छत्तीसगढ़ की अब बैलेंस शीट बने तो चीजें कहीं ऐसा ना हो कि जब आप लोग बैलेंस शीट टैली करें तो एसेट्स आपकी पूरी चली जाए और लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज आप लोगों के ऊपर आ जाए, फिर आप लोगों को लोन लेना पड़े और ज्यादातर चीजें बैड डेब्ट्स में चले जाए, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ की इमेज पे भी डेप्रिशिएशन चार्ज हो जाए और हर एक जो छत्तीसगढ़ का जो शख्स है वो कर्ज तले दब जाए। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए अब आप लोग क्या करेंगे बहुत संक्षेप में? देखिए, हमारा प्रशासन में जवाबदेही हम इसीलिए तय कर रहे हैं, जवाबदेही तय करने से, आंकड़ों की बाजीगरी करने से अधिकारी बचेंगे और नियमित रूप से मॉनिटरिंग होने से भी सब चीजों पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहेगा, पारदर्शी रहेगा और जवाबदेह रहेगा, तो वैसी परिस्थिति नहीं आएगी। हमारी उम्मीद करते हैं मजबूत बैलेंस शीट के रूप में आपको दिखेगी, उम्मीद करते हैं। मैं चंद्राकर जी से पूछ लेती हूँ, चंद्राकर जी अब जब राज्य सरकार की जो बैलेंस शीट बनेगी बहुत संक्षेप में कि कब तक बन जाएगी वो इनका, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्च क्लोजिंग ईयर रहता है तो लगता है कि जो उम्मीद बांध रहे हैं वाल्यानी जी उस पर वो खरा उतर पाएंगे? जिस तरह देखिए कांग्रेस में ये विशेषता रही है जब जब भी वो सत्ता में रही है वो ब्यूरोक्रेसी को कसना जानती है, ऐसा इनका बढ़िया गुड इम्प्रेशन रहा है। चलिए, तो ये अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि कितने बेहतर तरीके से ये प्रशासनिक अधिकारियों को कसेंगे और कितनी बेहतर बैलेंस शीट ये छत्तीसगढ़ राज्य की आने वाले वक्त में जो क्लोजिंग ईयर रहेगा उसमें पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया चंद्राकर जी चर्चा में शामिल होने के लिए, उच्च शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया और वाल्यानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2017-18 की जो वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई जिसमें राज्य को बड़ा नुकसान हुआ है, अब देखने वाली बात यह है कि अब इस रिपोर्ट पे कितना और घमासान आगे मिलता है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत।